हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज की रसोई। सो गाइज, आज मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है और बहुत हेल्दी भी होगा। आप बड़े बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बची हुई रोटियाँ, तो वो भी आपके यूज़ में आ जाएंगी। तो आपके घर में अगर रात में रोटी बच जाए तो आप ज़रूर ये बना के खाइएगा। बहुत टेस्टी, बहुत यमी और हेल्दी नाश्ता बनने के लिए तैयार है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चार रोटी। देखिए, चार रोटी ले ली हैं और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इन चार रोटी से हम बहुत अच्छे से नाश्ता बना कर तैयार करके दिखाते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट ली थी। तो देखिए, दो शिमला मिर्च काट ली थी, एक टमाटर ले लिया था, दो प्याज और दो आलू ले लिए थे। और आलू भी मैंने बहुत पतले पतले, बहुत छोटे पीसेस में कट करे हैं। तो चलिए गाइस, इसको हम अब साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। गैस पे कढ़ाई रख दी है और नॉन स्टिक ली है मैंने कढ़ाई, और इसको हमने फ्लेम को ऑन भी कर दिया है। और थोड़ा सा गरम कर लेते हैं हम कढ़ाई को। कढ़ाई गरम हो गई है तो हम डाल देंगे यहाँ पे सरसों का तेल। अगर आपके पास रिफाइंड हो तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है। अब सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ डाल देंगे हींग, और यहाँ डाल देंगे एक चम्मच हम डाल देंगे जीरा। तो जीरे को भी अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। और जीरा भूनने के बाद अब हम ले लेंगे यहाँ पे प्याज, जो हमने प्याज काटी थी ना, तो वो भी डाल देंगे यहाँ पे, ये देखिए। और प्याज डालने के बाद प्याज को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे आलू। और गाइस, हम अभी टमाटर नहीं डालेंगे, अभी हम आलू ही डालेंगे, ताकि हमारे आलू, अगर हमने टमाटर डाल दिए पहले तो आलू हमारे गलेंगे नहीं, अच्छे से पकेंगे नहीं, इसलिए हमने आलू डाले। अब हम यहाँ डाल देंगे शिमला मिर्च, तो ये भी अच्छे से हम इसको फ्राई होने देंगे। अब इन तीनों चीज़ को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, हमें ढकना नहीं है, और ढकना नहीं है, हमें ओनली फ्राई करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम चला चला के इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे आधी चम्मच नमक, स्वाद अनुसार, जैसा आप खाते हो वैसा आप डाल सकते हैं। तो मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक को सारी सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी आलू भी अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अच्छे से इनको मिला लेती हूँ सारी सब्जियों में नमक के लिए। अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो गाइस देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, शिमला मिर्च, प्याज और हमारे आलू भी देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम रेड रेड हो गए हैं ना, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम यहाँ डाल देंगे टमाटर, ये देखिए टमाटर डाल देंगे। टमाटर गाइस हमें बाद में डालना है, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे ना तो हमारे आलू फिर गलते नहीं, इसलिए हमने पहले नहीं डाले, आपको टमाटर बाद में ही डालने हैं। तो इसको अच्छे से हम मिर्च चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी टमाटर को अच्छे से हम भुनने देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहो तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं है इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। और यहाँ पर चिली फ्लेक ले लेंगे, थोड़ी सी इसमें डाल देंगे, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और ये मिक्स हो गया है हमारा अच्छे से। हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है टमाटर को भी। सो गाइस, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, और मैं इसको चमचा की मदद से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इनको, एकदम से दबा दबा के, और सारे एकदम से अच्छे से मिल चुके हैं ये। अब हम इसको एक बाउल में कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले ली है, और जो हमारी जो सब्जी थी ना हमने बनाई थी, तो वो हम इसमें एक बाउल में कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें सारी सब्जी कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी सारी सब्जी हो चुकी है बाउल में। अब इसको हम एक साइड में कर लेते हैं, और अब एक लेंगे हम प्लेट। सो गाइस, प्लेट ले ली है, और यहाँ पे जो हमने रोटियाँ ली थी ना, तो पहले एक रोटी ले लूँगी मैं यहाँ पे। अगर आपके पास टमाटो केचप हो तो वो ले सकते हैं, मेरे पास पिज्ज़ा सॉस थी तो वो ले लिए मैंने। हर किसी के घर में पिज्ज़ा सॉस नहीं होती है, तो टमाटो केचप हो तो आप वही लगा सकते हैं। मेरे पास पिज्ज़ा सॉस है तो मैंने वो लगा लिया, और इसको अच्छे से चारों तरफ से इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से लगा देंगे। पिज्ज़ा सॉस अच्छे से लग चुकी है, जो हमने स्टफिंग बनाई थी, अब इसके ऊपर वो डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से डाल के और चारों तरफ से इसको फैला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से सारे में फैला देना है। ये देखिए, इस तरीके से। तो गाइस, बहुत यम्मी बनने वाला है। अब यहाँ पे हमारी सब्जी भी लग चुकी है। अब हम ले लेंगे क्यूब चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो वो भी ले सकते हैं, स्लाइस चीज़ हो तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास क्यूब चीज़ था तो मैं इसको एक कद्दूकस से अच्छे से ग्रेट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से इसको अच्छे से हमें ग्रेट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से।
सो गाइस बच्चों को बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है। तो हमारा ये भी अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो अब हम लेंगे दूसरी रोटी, ये देखिए हम दूसरी रोटी ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे, ये देखिए। अब फिर से हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और फिर से इसको अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से, ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हम फैला लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से अब हमने फैला दी है। तो अब हम ले लेंगे सब्जी फिर से, ये देखिए स्टफिंग ले लेंगे और इसको फिर से चारों तरफ से फैला देंगे डाल के इस पर, ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से और फैला देंगे। और फैलाने के बाद गाइस फिर से हम ले लेंगे क्यूब चीज़, फिर से इसके ऊपर हम ग्रेट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो गाइस बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी बनने वाला है, तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चों को खिलाना, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और हेल्दी भी है। अब गाइस हम फिर से ले लेंगे तीसरी रोटी, अब इसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। फिर से हम पिज़्ज़ा सॉस लेंगे, ये देखिए, और फिर से हम इसको पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से हम लगा देंगे। तो इसको अच्छे से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। फिर से हम सब्ज़ी लेंगे और सब्ज़ी हम इसमें अच्छे से चारों तरफ से लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो हमारी सब्ज़ी भी लग चुकी है। अब फिर से हम इसके ऊपर हम चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर देंगे, ये देखिए। तो ये मैं यहाँ पे गाइस मेरे दो क्यूब चीज़ लग गए थे, तो ये देखिए मैं अच्छे से, क्योंकि हमें चीज़ी बनाना है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है चीज़, तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए बनाया हुआ था और हेल्दी भी था क्योंकि हमारी सारी सब्जी थी। ये देखिए हम इसको अच्छे से ग्रेट कर देते हैं, देखिए ये देखिए। तो हमने ये ग्रेट कर लिया है। अब हम फिर से लेंगे चौथी रोटी, अब हमारी ये लास्ट रोटी है, तो इसको फिर से हम रख देंगे। फिर से हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस और फिर से हम इसको अच्छे से लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और इसको लगाने के बाद हम लगा फिर से हम इसमें सब्ज़ी लगाएंगे, तो सब्ज़ी भी लगा लेते हैं, ये देखिए। तो बाकी जितनी भी सब्ज़ी बची हुई थी, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो सारी सब्ज़ी हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए तो हमने सब्ज़ी डाल दी है। अब हम फिर से इसमें डाल देंगे हम क्यूब चीज़, अच्छे से इसको ग्रेट कर लेंगे। और गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ग्रेट करना है, क्योंकि ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा ग्रेट करना है। और इसको अच्छे से चारों तरफ से फैला देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैं इसमें अच्छे से कर लेती हूँ। सो गाइस इसके ऊपर अच्छे से चीज़ लग चुका है। अब हम डालेंगे पिज़्ज़ा ऑरिगैनो, तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेती हूँ, ये देखिए चारों तरफ से, तो टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। और यहाँ ले लेंगे चिली फ्लेक, तो देखने में भी अच्छी लगेगी चिली फ्लेक और खाने में भी थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसमें हम स्प्रिंकल कर लेंगे ये भी। सो गाइस यहाँ पे सब चीज़ हमने लगा चुकी हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, गैस पे कढ़ाई रख दी है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। सो गाइस अब हम यहाँ डाल देंगे देसी घी, अगर आपके पास रिफाइंड हो तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़्यादा अच्छे से बच जाता है, टेस्टी भी लगता है और बच्चे के लिए अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है, तो इस वजह से मैंने देसी घी डाल दिया था। अब जो हमारा नाश्ता था वो मैं इस कढ़ाई में रख दूँगी, ये देखिए। तो ये अच्छे से नीचे से रोटी अच्छे से सिकेगी और ये जो पिघला जो हमारा चीज़ है ना, वो चारों रोटियों में अच्छे से पिघल जाएगा, तो बहुत अच्छे से बहुत चीज़ ही बनने वाला है। तो गाइज़ अब हम इसको एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट से हम इसको दो मिनट के लिए ढक देंगे और फ्लेम को हमें बहुत स्लो करना है, हाई पे नहीं रखना है। सो गाइज़ दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं प्लेट हटा के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइज़ हमारा कितने अच्छे से नाश्ता बन चुका है और चीज़ भी अच्छे से पिघल चुका है और जो नीचे की रोटी थी ना वो भी अच्छे से क्रंची हो चुकी है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ करछली की मदद से मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा हो गया नाश्ता रेडी, हम इसको सर्व करेंगे। सो गाइज़ हमारा नाश्ता हो गया है रेडी और देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छे से बन चुकी है, अच्छे से पिघल चुका है हमारा चीज़। तो गाइज़ अपने घर आए मेहमान को भी खिला सकते हैं, बची हुई रोटी का यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, बिल्कुल ना फेंकें जो बच जाए रात की रोटी, तो बिल्कुल भी ना फेंकें। तो गाइज़ देखिए मैं अब एक चक्कू ले लूँगी और इसको अच्छे से कट करके आपको दिखाती हूँ, इसके चार पीस कर लूँगी जैसे पिज़्ज़ा में होते हैं ना, तो उस तरीके से मैं इसको अच्छे से आप कट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि नीचे की रोटी थोड़ी क्रंची हो गई है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा हार्डली कट रहा है नीचे से, बाकी बीच की रोटी थी ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए इस तरीके से हमने काट लेते हैं। सो गाइज़ हमारे पीसेस अच्छे से कट चुके हैं
और ये देखिए एक पीस में आपको उठा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से बन चुका है नाश्ता, और देखिए ही थोड़ा सा नीचे से वो हो चुका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके लिए देखिए कितने अच्छे से बन चुका है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बहुत हेल्दी बना था गाइस, बहुत टेस्टी बना था। तो आप अपने घर में बच्चों को बना के खिला सकते हैं, बहुत यम्मी था। तो ये देखिए मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस इतना यम्मी बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। तो आप प्लीज़ मेरे कहने से प्लीज़ गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनाया हमारा नाश्ता। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।